दोस्तों कभी ना कभी आप में से किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप लोगों ने कोई इतना बड़ा डॉग देखा होगा और आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे डॉग है या फिर कुछ और, क्योंकि भाई इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ये काफी फेमस है और सबसे बड़े भी हैं, जिसका नाम है ग्रेट डेन। जी गाइस, आज हम बात करने वाले वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में। तो अगर आप लोग लार्ज साइज की डॉग ब्रीड रखने के शौकीन है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि ग्रेट डेन का जो प्राइस है आजकल काफी ज्यादा चला हुआ है, क्योंकि भाई मार्केट में ये सिर्फ कुछ ही लोगों के पास अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू आप लोग इन पपीज को बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर पाओगे। तो इनका प्राइस और इनकी लोकेशन क्या होने वाली है ये तो आप लोगों को वीडियो में पता लग ही जाएगा। बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पपीज जो हैं ये काफी अच्छी क्वालिटी में है, ब्लैक कलर में है, और इनमें आप लोगों को मेल पपीज और फीमेल पपीज दोनों ही मिल जाएंगे। तो गाइस, अगर आप लोग इस ब्रीड को परचेज करने का मन बना रहे हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्हें अच्छे खासे स्पेस की जरूरत होती है रहने के लिए। अगर आप लोगों के आसपास बड़ा सा ग्राउंड है या फिर बैकयार्ड है या फिर बड़ी सी छत है तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों के पास स्पेस की कमी है तो वहाँ पर ये शायद एडजस्ट ना कर पाए और इस सिचुएशन में आप लोग खुद भी परेशान हो जाओगे और ये डॉग्स भी। वैसे ग्रेडन आप लोगों को कुछ अलग अलग कलर्स में मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ कलर काफी कॉस्टली हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर है ये भी काफी फेमस है। वैसे दोस्तों, इस ब्रीड को परचेज करने के बाद आप लोगों को मेहनत करनी होगी इनकी रनिंग और फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि ये चीज इनकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि भाई इतनी लार्ज साइज की डॉग ब्रीड को अगर आप लोग बैलेंस डाइट नहीं दोगे, कैल्शियम या मल्टीविटामिन्स नहीं दोगे तो इन्हें काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जो लोग इनके टेम्परामेंट के बारे में नहीं जानते उन्हें बताना चाहूंगा कि ग्रेडन काफी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, बट इतने ज्यादा अटैकिंग नहीं होते कि किसी के ऊपर बेवजह अटैक करते हैं। तो आप लोग इस डॉग ब्रीड को फैमिलीज में भी रख सकते हो या फिर अगर आप लोगों के पास फार्म हाउस वगैरह है तो वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पपीज तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो एक बार मैं आप लोगों को इनके पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो ये देखिएगा, इसे जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज के मदर और फादर। भाई दोनों ही क्वालिटी काफी अच्छी है, जो ब्लैक कलर में है वो है फीमेल और जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में वो है मेल। बाकी दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर आप लोगों को डॉग ओनर से कुछ भी पूछना है तो आप लोग हर एक चीज अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ओनर कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो वही, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इन पपीज को परचेज करने के लिए तो मैं आप लोगों को इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये जो ग्रेडन पपीज हैं ये 45 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है बदरपुर, दिल्ली NCR से। बाकी दोस्तों, डिलीवरी के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, तो इस बारे में या तो आप लोग डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज मैं तो आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि प्लीज जितना हो सके डिलीवरी को अफोर्ड करें, डायरेक्ट ओनर को विजिट करके परचेज करें तो ज्यादा बेटर है। वैसे ही पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग के हैं, तो डायरेक्ट जाने पर काफी सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर सकते हो और पपीज की क्वालिटी भी देख सकते हो। एंड फाइनली अगर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में ब्लैक कलर में है, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 17,000 रुपीज एंड फीमेल की 15,000 रुपीज यानी 15,000 रुपए, लेकिन प्राइस डिस्काउंटेबल है तो आप लोग बारगेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। तो आशा करता हूं इन पपीज की क्वालिटी और प्राइस आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।